हेलो फ्रेंड, मैं हूं गणेश कुमार। गणेश टिप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर आपके पास एक्सिस बैंक अगर आप ले रखे हैं या फिर आप खुलवा रखे हैं तो आपको इसमें करना क्या होगा। अगर आपका बैलेंस कटता है तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा। इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, अगर आपका बैलेंस यहाँ पे कट चुका है तो 110% आपके अकाउंट में बैलेंस रिफंड आएगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा दिन लग सकता है, मैक्सिमम दिन आपका वही कि 15 वर्किंग डेज लग सकता है, लेकिन आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो मेरा भी बैलेंस यहाँ पे कटा हुआ था और मैंने यहाँ पे क्या किया वो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो मैं सिंपल सा करता हूँ कि हमें सबसे पहले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आप भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका ऐप है एक्सिस बैंक का, तो मैं यहाँ पर जाकर के लॉगिन वाले पर जाकर के मैं सिंपल सा इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपका माइंड पिन मांगा जाता है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा माइंड पिन दे देना है। माइंड पिन देने के बाद आपका यहाँ देखेंगे लॉगिन मेरा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है दोस्त, और मेरा यहाँ पे बैलेंस भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको आपको सिंपल सा करना है कि आपको यहाँ पे अकाउंट वाला सेशन दिख रहा है ना, तो अकाउंट वाले सेशन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाएगा और आपके यहाँ पे कितना बैलेंस हो आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे एक सेशन दिखेगा, ठीक है दोस्त, जिसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस एरो के निशान वाले पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है। तो नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा व्यू स्टेटमेंट, तो व्यू स्टेटमेंट वाले पे मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरा बैलेंस जो है कब कटा हुआ था। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे डेट सिंपल सा सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 5 तारीख को, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ मैं 6 तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा 6 तारीख को ही बैलेंस कटा हुआ था। व्यू स्टेटमेंट वाले पे जाने के बाद यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट यहाँ पे कर देना है। मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरा यहाँ पे 200 का बैलेंस कटा हुआ था दोस्त, वो भी चीज़ मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, और मेरा पैसा जो रिफंड आया था कैसे आया था वो भी मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे जो मेरा बैलेंस जो यहाँ पे कटा हुआ था, ये मेरा मूवी क्विक से मैंने ट्रांजेक्शन कर रहा था और मेरा बैलेंस फेल्ड हो गया था और मूवी क्विक में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी नहीं दिखा रहा था क्योंकि मूवी क्विक के पास बैलेंस पहुंचा नहीं था, लेकिन मेरा बैलेंस यहाँ पे कट गया था। अगर मैं डेट की बात करूँ तो दोस्त आप यहाँ डेट देख पाएंगे कि यहाँ पे 6/8/2021 का है, लेकिन मेरा पैसा जो है रिफंड आ चुका है। तो मेरा पैसा यहाँ पे 9 तारीख को रिफंड आया हुआ था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ और यहाँ पे 9 तारीख में यहाँ पे डेट चूज करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे 9 ही चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट वाले पे क्लिक करता हूँ। जिसे स्टैंड वाले क्लिक कर रहा हूँ तो पूछ रहा है कि एक तारीख यानी कि आगे पीछे करने के लिए, यानी कि एक तारीख डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो मेरा पैसा जैसे आपने मूवी क्यूके वहाँ पे देखा हुआ था कि मेरा पैसा जो मूवी क्यू में कटा हुआ था, तो मूवी क्यू भी यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए तभी मेरा रुपया यहाँ पे आया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रिफंड, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है कि भाया मर्चेंट रिफंड 6/8/2021 माने 21 मूवी क्यूब। तो अगर पैसा यानी कि मेरा पैसा 6 तारीख को कटा हुआ था, 9 तारीख को आ गया, यानी कि तीन वर्किंग डेज मेरे को यहाँ पे लगा रुपया रिफंड आने में। लेकिन कितनी दफ़ा मेरे साथ, यानी कि 2 टाइम्स मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक से 5,000 का ट्रांजेक्शन कर रहा था और मेरा पैसा यहाँ पे रुक गया। लेकिन मैं इसी उम्मीद में था कि मेरा 4 से 5 दिनों के अंदर में मेरा पैसा आ जाएगा। मैंने 15 दिन भी वेट किया लेकिन मेरा पैसा यहाँ पे रिफंड आया नहीं। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया मैंने यहाँ पे एक्सिस बैंक कस्टमर केयर के पास और मैंने वहाँ पर बोला कंप्लेन अपना दर्ज करवाने के लिए, ऐसे यानी कि दर्ज करने के लिए। तो जैसे उन्होंने दर्ज किया ऑन कॉल, ठीक है दोस्त, ऑन कॉल मेरा बैलेंस मेरे वॉलेट में क्रेडिट हो गया था। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन जिस टाइम पे मैंने कॉल किया ना उसी टाइम पे मेरे पास यहाँ पे 5,000 रुपये आ गया था, ठीक है। तो अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा तभी आपका रुपया आएगा, और अगर ज़्यादा दिन हो चुका है तो जैसे आप यहाँ पे कॉल करेंगे और आपका पैसा जो होगा आपके वॉलेट में रिफंड आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। आपको यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा तो आएगा ही। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हुआ हो या फिर कोई सजेशन देना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आपको आपके लिए वीडियो कैसा रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपको यहाँ पे कस्टमर कैसे बात करना है तो कैसे बात करना है इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो यहाँ पर अपलोड करके रखा हूँ। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप कैसे कस्टमर कैसे बात करना है वहाँ पर जाकर के बात भी कर सकते हो, ठीक है दोस्त। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।